सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है। खेतों में चार चार डंडे गांव माता में लग रही है, क्या आकर देख रहे हैं वो? उन्होंने लिख दिया गौ माता कुछ नहीं हो, कटेंगे नहीं, ये बिकेंगे नहीं। किसान परेशान है, खेती रखा है, गौ माता को रखा है, क्या करे? एक एक दो दो बीघा जमीन लोगों के नाम आ रही है। आज छठे जी फोन कर रहा है, एम्बुलेंस तैयार है, वो किसकी देने अगले जी? हालांकि समाजवादी का नहीं हूं मैं, भाजपा का ही हूँ, लेकिन बात इंसाफ की होनी चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में अधिकतर गांवों में अधिकारियों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है लोगों का विरोध। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की तरफ से इस समय पूरे भारत में लोगों को सरकार की उपलब्धियां व योजनाओं को समझाने के लिए गांव-गांव जाकर ब्लॉक अधिकारी व उच्च अधिकारी कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं टीवी स्क्रीन द्वारा लोगों को सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों का लाभ लेने के तरीके भी समझाए जा रहे हैं। वहीं मुंडा पांडे ब्लॉक के कुछ गाँवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में अधिकारियों को ग्रामीणों द्वारा भाजपा सरकार से नाराज लोगों की नोकझोंक भी बर्दाश्त करना पड़ रही है। ब्लॉक मुंडा पांडे के अधिकतर गांवों में लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की योजनाएं लोगों को दी जा रही हैं, मगर ग्राम प्रधान व ब्लॉक अधिकारी उसमें धांधली करके लोगों तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि ब्लॉक मुंडा पांडे के अधिकतर गांवों में गरीबों को आवास योजना तक का लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। गरीबों पर बीपीएल कार्ड नहीं है, शौचालय नहीं है, आखिर कब इन गरीबों को उनका हक मिल पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर ये बात साफ है कि अधिकतर गांवों में लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में नाराज दिख रहे हैं। मामला सिर्फ ये है कि हमारे गाँव के जो मेन रास्ता है, उस रास्ते में अगर बारिश हो जाए तो एक भी आदमी पैदल निकल नहीं सकता, वाहन तो अलग चीज़ रही, और जो रिश्तेदार जो महिलाएं आएंगी वो गिर गिर के कैसे कैसे निकलती हैं। हमें जो है इस रास्ते में बहुत ही कठिनाई उठानी पड़ती है, और ये योजना जो है हमारे योगी जी मोदी जो चला रहे हैं वो सही है, हर गाँव में लाभ उठा रहे हैं और लाभ उठाना चाहिए जो योगी जी मोदी जी कर रहे हैं। इसी मीटिंग में आपने नाराजगी दिखाई है या और कहीं भी दिखाई है? हम क्या करें, ये जो है भारत जो मोदी जी की संकल्प यात्रा के बीच में हम पूरे ग्रामवासियों ने ये निश्चित कर लिया है कि जो रोड देगा वो वोट लेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, पहले रोड हमारा फिर वोट हमारा। अच्छा, इसमें जो गांव का आपका विकास नहीं हुआ है, आपको समस्याएं हैं, इसमें आप जो नाराजगी दिखा रहे हैं वो किन को दिखा रहे हैं, खास करके किसे दिखाना चाह रहे हैं? हम किसी को नहीं दिखा रहे, सरकार बढ़िया चल रही है, सरकार के माध्यम से हम कह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं जो MP है, MLA है, जो विधायक है, जिला पंचायत सदस्य जी है, जो भी हैं, उनके बीचों में हम अपनी समस्या का समाधान की जरूरत है उनसे। ब्लॉक अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान हैं, ग्राम प्रधान में क्या रोल है, कैसा रोल है इन लोगों? ग्राम प्रधान तो इस योजना को नहीं बना सकता, लेकिन गांव की जो नाली हैं, सड़कें हैं, और मेरे ही बीच में अभी मैं सच्चाई बता रहा हूं कि रोज तीसरे दिन उसमें गारा इतना हो जाता है, वो नाली नीची हो गई है। मैंने बार बार कहा है, मैंने कि इसे ऊंची करा दो, लेकिन वो भी प्रधान जी भी सुन के इस बात को नहीं दे रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं गांव सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। ओके।